कंपनी को ऑलमोस्ट 2 साल जो है उसकी 4 से 5 महीने की वेटिंग पोर्टेबल बैटरी है, निकाल यहाँ से स्टार्ट कर दिया और टायर जो है भाई अपने MRF के हैं। इतनी बार ब्रेक लगाओगे माइनर से आपकी बैटरी चार्ज होती है। सो वेलकम टू चैनल गाइस, आप दर्पण भाई के चैनल पे आज फिर से एक और न्यू वीडियो। तो भाई आज की जो वीडियो रहने वाली है भाई, आपको मेरे पीछे एक गाड़ी दिख रही होगी, बेसिकली कौन सी बाइक जो है आज की रहने वाली है। तो भाई बताऊं, काफी लोगों की जो है डिमांड आ रही थी इसके रिगार्डिंग कि भाई कब आएगी इसकी वीडियो, कब आएगी। तो बेसिकली भाई आज जो है हम लेके आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो रिवॉल्ट का कुछ न्यू स्टॉक आया अपना, मतलब ब्रांड न्यू, मतलब जिसे कहते हैं कि भाई अभी मतलब बिल्कुल लेटेस्ट है। इसके जो पहले था वो कंटिन्यू जो चल रहा था, बट अब जो है रिवॉल्ट ने टाइम के साथ जो है भाई बिल्कुल अपग्रेड कर लिया। कंपनी को ऑलमोस्ट 2 साल जो है हो गए हैं भाई मार्केट में आए हुए, और सुपीरियर भाई अभी भी अगर मैं बात करूँ तो भाई इसकी 4 से 5 महीने की वेटिंग जो है भाई चल रही है। तो थोड़े बहुत कुछ अपग्रेडेशन हुए हैं इस साल, पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था, बट अब जो है दोबारा डिटेल में बता रहा हूँ कि क्या जो है इस साल चेंज हुआ है बेसिकली, और क्या जो है अभी नए साल में जो है आने वाला है। तो यहाँ पे अपने आपको जो है ज्वाइन कर चुके हैं राजीव भाई, राजीव शर्मा। तो भैया ये बताओ सबसे पहले कि इस कंपनी को ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, तो कंपनी की रिव्यू अगर मैं बात करूँ तो एक बंदा ही बता सकता है जो मतलब कंपनी में काम कर रहा है कि उसको कैसा एक फीडबैक मिल रहा है। तो भैया बात करूँ तो कैसा फीडबैक अभी तक इसका 2 साल? अभी तक तो सभी कस्टमर के फीडबैक अच्छे हैं, ठीक है। बाकी थोड़ी बहुत कोई भी दिक्कत आती है तो कंपनी पूरी वो करती है आपकी। बिल्कुल, मतलब देखो परफेक्ट कोई चीज नहीं होती, टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन जो है करना पड़ता है भाई हर चीज के साथ। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिखा दूँ, ये RB 400 है और ये वाली भी RB 400 है, ये सारी 400 है, और 300 में भी अभी अपने पास क्या स्टॉक खड़ा हुआ है? 300 का भी डिस्कंटिन्यू, बिल्कुल डिस्कंटिन्यू हुआ है। अभी फिलहाल में आपका एक ही मॉडल आता है 400, सीधा 400 अब जो है एक भाई एक ही जो है कर दिया है। अब उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो RB 300 और 400 में बेसिकली पावर का भी थोड़ा बहुत डिफरेंस था। पावर का भी डिफरेंस था आपका, जैसे 300 की जो बैटरी पावर थी 2.7 किलोवाट की थी, 400 की आपकी 3.24 किलोवाट की। तो अब जो है भैया कंटिन्यू रह रही है वो कौन सी रह रही है? अभी तो 400 है सर आपकी, अभी 400 जो है। और इसकी अगर मैं बैटरी की किलोवाट की, सॉरी मोटर की किलोवाट की बात करूँ तो 3 किलोवाट की इसकी मोटर है। अब इसकी थोड़ी बहुत जो है रिड्यूस कर दी है बेसिकली। तो भाई वही बात है, कुछ चेंजेस हुए हैं, तो एक एक जो करके आपको स्टार्ट करता हूँ और डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या बेसिकली जो है इनके अंदर चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले भैया फ्रंट में बात करूँ तो इसके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं? सर फ्रंट में आपका सबसे पहले तो इसकी आपकी बेल्ट आ गई, ठीक है बेल्ट आपकी पहले पतली आती थी, उसमें थोड़ा बहुत इशू आ रहा था, वो सारे इशू अभी खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा आ गया आपके शोकस, अभी शोकर वगैरह भी थोड़ी हैवी हो गया। तो बाकी भाई अगर मैं बात करूं तो जैसे कि पहले जो शोकर थे भाई वो अपने थे मतलब बिल्कुल डाउन, अब जो है इनका थोड़ा हाइट जो है थोड़ी बढ़ा दी गई है, मतलब अगर मैं कहूं तो भाई थोड़ा पीछे से उठा दिया गया है। जैसे कि कई बंदों को दिक्कत होती थी इनका हैवी वेट था तो थोड़ी बहुत जो है बाइक भाई अपनी बिल्कुल बैठ जाती थी, बट टच नहीं होती थी, बैठ जाती थी तो उसे जो थोड़ा मतलब फील नहीं आती थी चलाने में भाई। तो अब जो है कंपनी ने थोड़ी बहुत हाइट जो है एडजस्ट कर दी है इसकी। तो भैया और मैं बात करूँ तो और बेसिकली कलर्स में क्या डिफरेंस आया सबसे पहले? कलर्स में आपका पहले तो 2 कलर आते, रेवर रेड आता था, बिल्कुल कॉस्मिक ब्लैक आता था, बिल्कुल कंपनी ने एक न्यू कलर लॉन्च किया मिस्ट ग्रे कलर, ये वाला कलर आता। तो बाकी भाई ये वाला कलर जो है लॉन्च किया कंपनी ने, कलर देख सकते हो भाई कितना यूनिक लग रहा है। और भी अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली जो है इसमें भी पूरा मतलब कुछ अगर फाइबर के अकॉर्डिंग जो अगर मैं बात करूं तो फाइबर कुछ मेटल कुछ एड ऑन हुआ है इसके अंदर या वही कंटिन्यू हो रहा है? वही कंटिन्यू आपका सब बिल्कुल सेम कंटिन्यू हुआ है भाई। बैटरी का अपना जो है बता दिया, बैटरी की भी एक बारी वारंटी गारंटी जरूर बता दो कितनी रहती है। जो बैटरी की वारंटी थी आपकी 8 ईयर जो 150,000 किलोमीटर की, ठीक है। अभी इसकी बैटरी की वारंटी होगी आपकी 6 ईयर जो 100,000 किलोमीटर। तो बाकी भाई अब जो है थोड़ा बहुत कंपनी ने अपग्रेडेशन जो है जैसे कि आपको बता दिया कर दिया है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो भैया इसके अंदर और क्या क्या अपग्रेडेशन जो है छोटी छोटी हुई है बेसिकली? हाइट तो हमने बता दी है, एक स्प्रॉकेट बता दिया है, बिल्कुल। और क्या क्या इसके अंदर जो है बेसिकली चेंजेस हुए हैं? एक सर हमारा पहले ना आपका इससे 0% का इशू आता था, ठीक है, जो अंदर का कपलर होता था वो लूज हो जाता था, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ जैसे आपका इस बाइक, तो बाकी भाई इसमें जो है एक बारी की, तो भाई ये देख सकते हो की लगी आपकी, बिल्कुल ठीक है, हल्का सा पुश करा इसको, ठीक है। यहाँ पे आपका USB बोर्ड दिया गया है, ठीक है, USB केबल लगा के अंदर अपना मोबाइल वगैरह भी चार्ज करने के लिए रख सकते हो, ठीक है। इसको निकाल दिया आपने, ओके, MCB ऑफ कर दिया, ठीक है, ठीक है। पहले जो था आपका ये नहीं था, लॉक नहीं था, ठीक है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो थोड़ा लूज हो सकता था तो 0% का इशू आता था आपका, ठीक है। अभी ये लॉक हटाया आपने, इसको निकाला, ठीक है, ठीक है। उसके बाद की से अनलॉक करते हो आप, की निकाली यहाँ से, हाँ जी। इसके बाद की से यहाँ से अनलॉक करिए आपने, पहले अभी आपकी बैटरी लॉक है, ठीक है, ठीक है। की से अनलॉक करा, इसको निकाल दिया, ठीक है। पोर्टेबल बैटरी है, निकाल के ऊपर ले जाके भी चार्ज कर सकते हो आप। तो
बाकी भाई देख सकते हो। अगर भी हमें बैटरी का इसका अगर मैं वेट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट बैटरी कितने वेट की है इसकी? सर बैटरी का वेट आपका 20 kg 20 kg है। और ये कितने टाइम में बेसिकली अब जो है चार्ज होने वाली है, और क्या इसका जो है एक बार फीडबैक बता दो कितने किलोमीटर जो है चलेगी इको मोड पे, नॉर्मल मोड पे, स्पोर्ट्स मोड पे? सर इसमें आपकी 4 hours पे 0 to 100 फुल चार्ज हो जाती है, 4 घंटे लेती है 0 to 100 फुल चार्ज में। ठीक है। और फुल चार्ज पे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन होता है वो होता है आपका 3 to 4 units, 3.5 units लेते हैं बट 4 units मान लो आप। ठीक है, 4 units में फुल चार्ज हो जाती है। और इसमें आपके मोड दिए गए इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। और इको मोड की बात करते हैं आप, बिल्कुल, तो 45 की टॉप स्पीड है। ठीक है, उसमें आपकी 150 किलोमीटर चलती है। बिल्कुल। सेकंड पे आपकी 65 टॉप स्पीड है तो 110 किलोमीटर चलती है। एंड स्पोर्ट्स पे 90 की टॉप स्पीड है, 85 कंपनी क्लेम करती है, जो हमारे कस्टमर के फीडबैक है उसमें 90 की स्पीड इसकी टच करती है। उसमें 90 की स्पीड से चलाते हैं तो 80 किलोमीटर चलती है, 80 किलोमीटर। बाकी जो हमारे कस्टमर के फीडबैक है, एक स्पीड पे तो बंदा कभी चला नहीं सकता है, बिल्कुल, मिक्स करके चलाओगे। हमारे जो कस्टमर पे फीडबैक है वो आपके 120-122 किलोमीटर की एवरेज आती है फुल चार्ज। स्पोर्ट्स मोड पे, स्पोर्ट्स मोड पे और मिक्स मोड पे? हाँ मिक्स पे आपके। तो बाकी भाई मिक्स मोड पे जो है आपको 120 के अराउंड जो है इसकी एवरेज मिल जाती है, 3 to 4 units लगती है। अगर मैं बात करूँ तो भैया हाल ऑलमोस्ट दिल्ली में अगर बात करूँ तो कितने 20-25-30 रुपए की बिजली लग जाती होगी, 5 रुपए यूनिट आपकी, तो बिल्कुल मान लो आप 20 रुपए में आपकी 120 किलोमीटर चलेगी भाई। बाकी भाई और क्या ले सकते हो आप, इससे बढ़िया अभी तक कुछ नहीं है भाई। पेट्रोल डीजल आपको पता है दिन पर दिन कितने रेट जो है बढ़ रहे हैं, बट इसका जो है भाई कोई रिस्पांस किसी से भाई कोई मुकाबला नहीं है। बाइक की आप लुक देख सकते हो सबसे पहली बात, मतलब ये लगती नहीं है कि बैटरी बाइक है। सबसे पहली बात आपको एक बार नए कलर की भी लुक दिखा देता हूँ भाई अगेन, जो कि इसके अंदर जो है चेंजेस हुए हैं भाई। ये कलर जो है अभी तक का ऑलमोस्ट मेरा फेवरेट जो है भाई लग रहा है बिल्कुल। बाकी अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर RV 400 के अंदर इन 3 कलर के अलावा और कोई कलर भी आने वाले इन फ्यूचर? सर अभी फ्यूचर में तो आएंगे धीरे धीरे सारे कलर आएंगे, ठीक है, और भी काफी कलर आएंगे, बट अभी जो आपके पहले दो थे अभी एक और आ गया 300 आपका, 400 आपका ग्रे वाला कलर। ठीक है, तो बाकी एक बार मीटर की डिस्प्ले भी आपको एक बार ऑन करके दिखा दो, फिर एक बार दोबारा डिटेल में जो है प्रॉपर बता दो कि क्या क्या जो है पहले था और क्या क्या जो है इन फ्यूचर इसके अंदर जो है हुआ है और अब क्या करंट जो है चल रहा है। सबसे पहले तो सर आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर दिया आपने, ठीक है, ठीक है, तो भाई ये जो है उसकी वाली की है तो एक बार उस पर चल लेते हैं। तो ये देख सकते हो जैसे ये ऑन होगी है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर दिया आपने, हाँ जी, यहाँ से डायरेक्ट ऑफ कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट पावर पुश बटन से इसको ऑफ कर सकते हो, ठीक है, पावर पुश बटन से आपकी डायरेक्ट ऑन नहीं होगी। अगर पावर पुश बटन से ऑन करना है तो पहले की से अनलॉक करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से ऑन होगी आपकी। और ये आपका एंटी थेफ्ट सिस्टम, ठीक है, जो बटन आपका इससे जैसे आप अपनी बाइक कहीं भी पार्किंग पर लगा देते हो, इसको लॉक कर दिया, ठीक है, कोई भी इसको मूव करता है इसके पीछे वाले व्हील जो होते हैं वो लॉक हो जाती है, ठीक है, ठीक है, और कोई भी इसको जैसे रन करता है और इसके टायर लॉक हो जाते हैं और बीप करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक बार भैया इसका डेमो भी दिखा दो एक बार। तो बाकी भाई आपको जो है दिखाए तो कई बंदों के मन में थॉट आता है कि हाँ यार बैटरी वाली बाइक है, अपना चोरी होने का इसका जो है काफी डर रहता है, तो इनका जो है भैया ऐप में भी जो है नोटिफिकेशन आती रहती है? हाँ जी, एक हमारी ऐप है माई रिवॉर्ड, उस ऐप से आपकी बाइक कनेक्ट होती है, बिल्कुल लाइव टू लाइव अपडेट रहता रहेगा कि आपकी बाइक जो है कोई भी चोरी वोरी कर लेता है, जब कुछ चोर होता है, ठीक है, तो उसमें आप अपनी बाइक को कहीं भी फोन से ट्रैक कर सकते हो, रेडियस होता है, ठीक है, जिससे आप अपनी बाइक कहीं भी कोई मांग के लिए जाता है, सामान लोग आपका फ्रेंड आपसे बाइक मांग के लिए जाता है, बिल्कुल, मैंने 10 किलोमीटर जाना है, फोन की ऐप से रेडियस सेट कर सकते हो, जैसे बंदा 10 किलोमीटर की रेंज से बाहर जाता है फोन पे नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाती है। और अगर चाहो तो ऐप से भी बंद कर सकते हो? ऐप से बंद नहीं किया, ठीक है। तो बाकी भाई ये जो है अभी तक के फीचर्स जो है इसके अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। बाकी एक बार भैया इसकी एक बार हेडलाइट ऑन करके दिखा दो, तो भाई छोटा सा आपको जो प्रोजेक्टर मिल जाता है ये देख सकते हो, एलईडी प्रोजेक्टर लाइट आपकी। तो बाकी भाई व्यू देख लो एक बार इसका भी, ये देखो भाई ये अभी शोरूम के अंदर गया है, तो भाई नाइट में तो इसका जो है इस बाइक के मुकाबले जो है भाई बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। एलईडी इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं ये देख सकते हो। बाकी अलॉय व्हील का डिजाइन जो है काफी यूनिक है, जैसे कि मतलब अगर मैं सबसे पहले आपको यही बताऊं कि इसके अंदर जो है भाई कोई भी अपना जो है पेट्रोल व्हीकल जो है नहीं लगती बेसिकली, मतलब अगर किसी को नॉलेज होगी तो भाई बेसिकली वो जो है बता पाएगा। बाकी एक बार ऑन करके भाई इसकी जो है स्पेशलिटी सुना दो कि इसके अंदर जो है अपना आर्टिफिशियल साउंड सिस्टम जो है लगा हुआ है। इसमें आपके 4 आर्टिफिशियल साउंड है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, साइलेंट पे भी चला सकते हैं बिना आवाज की आप, ठीक है, एंड 4 साउंड है, एक तो अभी इनबिल्ट है आपका, ठीक है, बाकी जो होते हैं आपके 3 फोन की ऐप से चेंज होते हैं। बाकी भाई आपको एक बार पीछे से भी दिखा देता हूँ, ये देखो भाई ये कौन सा मोड था भैया, ये मोड कौन सा था बेसिकली? फर्स्ट मोड आपका इको, अच्छा, मोड। और इको मोड और स्पोर्ट्स मोड और नॉर्मल मोड पे अपना जो है बिल्कुल सेम आवाज है, मतलब डिफरेंस सेम हो गया,
और अगर इसको अगर कस्टमाइज करना चाहे तो हो सकती है ये? नहीं सर, कस्टमाइज नहीं सकते। इसका फोन में जो ऐप है इसका, उसके कुछ चेंजेस कुछ साउंड चेंज कम कर सकते आप? कम कर सकते हैं, बेसिकल साउंड आपका वही फुल साउंड बस यही रहेगा बेसिकली। अब आज जो है आप अपना अपने अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकते हो, बट कस्टमाइजेशन जो है इसके अंदर नहीं अवेलेबल है। बाकी 97% बैटरी चार्ज है और देख सकते हो, अगर मैं बात करूँ तो ये देखो भाई अपना, मतलब ये अगर मैं बात करूँ तो भाई मॉड्यूल भी जो है बिल्कुल परफेक्ट है भाई, मतलब कहीं से भी नहीं लगती कि हाँ यार ये बैटरी वाली बाइक है। फर्स्ट मोड पे इस सबसे पहले तो आपको यहाँ से वेदर शो करेगा, ठीक है इसमें मोड शो करेंगे कौन से मोड में आपकी गाड़ी चल रही है, ठीक है। फर्स्ट मोड इको मोड, इको मोड पे इस बैटरी सेंटर के हिसाब से इतनी किलोमीटर चलेगी, 135 किलोमीटर, ठीक है। एंड सेकंड मोड पे इस बैटरी सेंटर के हिसाब से इतनी किलोमीटर चलेगी, सिस्टम बिल्कुल खत्म कर दिया जो RV 300 के अंदर आता था। तो बाकी अब जो है भाई बिल्कुल डायरेक्ट आपके पास ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप चाहो तो इसे ऑफ कर सकते हो, यहाँ से चाहो तो आप इसे ऑन भी कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन जो है, USB का आपको यहाँ पे जो है चार्जर मिल जाता है, आगे भी डिस्क है पीछे भी डिस्क है। तो भाई ब्रेकिंग से रिलेटेड तो कोई इसका मुकाबला है ही नहीं, मतलब अगर कई बंदे कहते हैं कि हाँ यार ब्रेकिंग से रिलेटेड बाइक वाली प्रॉब्लम आती है, मतलब हल्की बाइक होती है, अगर मैं इसका भी ऑलमोस्ट बात करूँ तो इसका वेट बेसिकली इस बाइक का कितना रहने वाला है? 108 kg विद बैटरी है, विदाउट बैटरी है? विद बैटरी है, विद बैटरी टोटल 108 kg है। जो गाड़ी का वेट आपका वो 108 kg। तो बाकी भाई देख सकते हो 108 kg की भाई लगती नहीं है ये, ऐसा लगता है कि थोड़ी हैवी बाइक है। अगर मैं बात करूँ तो पल्सर 135 की जो है कुछ मिलती जुलती इस गाड़ी की लुक जो है मेरे को लग रही है। बाकी आप ओपिनियन अपना बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको जो है कैसी लग रही है, किससे मिलती जुलती लग रही है। तो एक बारी भाई आपको जो है इसका पीछे का भी दिखाया था, स्प्रॉकेट ये देख सकते हो, आरवी की बैचिंग आपको बेल्ट पे भी मिल जाएगी, और टायर जो है भाई अपने MRF के हैं, हाइट पीछे से एडजस्टेबल जो है कर दी है भाई, अपना हाइट जो है थोड़ी उठा दी है इस गाड़ी की, और पीछे की साइड से भाई बेल्ट जो है अपना थोड़ी चौड़ी कर दी है, पहले जो आती थी बिल्कुल थोड़ी सी पतली आती थी। तो उसमें बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो क्या कस्टमर जो है फेस कर रहे थे प्रॉब्लम? सर पहले ये था कि जैसे बेल्ट वगैरह टूट जाती थी, अब बेल्ट वगैरह का वो इशू खत्म हो गया है, ठीक है। बेल्ट वगैरह लूज हो जाती थी, अब उन्होंने अपडेशन कर दिया, जैसे बेल्ट आपकी काफी चेंज हो गई है, ठीक है। अगर अब मैं बात करूँ तो इसका जो है भैया बेसिकली सर्विस का क्या पीरियड रहता है, क्या कैसे रहता है? सर फर्स्ट वाली जो इसमें आपकी जैसे कैश में लेते हो, 3 साल के अंदर 50,000 किलोमीटर तक आपकी सर्विस फ्री रहती है, ठीक है। और उस सर्विस के अंदर बेसिकली होता भी क्या क्या ये भी बता दो। आपकी पूरी बाइक इंस्पेक्शन होती है, जैसे आपके सेंसर हैं, जैसे जब तक आप स्टैंड ऊपर नहीं करा, ठीक है, पावर वाला बटन नीचे नहीं करते हो, आपकी बाइक मूव नहीं करते, ये सारे सेंसर आपके जैसे कंट्रोलर हो गया, मोटर हो गया, बेल्ट वगैरह, ये सारी चीजें चेक होती है, पूरी बाइक इंस्पेक्शन होती है, ठीक है। तो बाकी भाई ये जो है इसके अंदर डिफरेंस जो है अभी आपको मिल जाता है। सर्विस के रिगार्डिंग अगर बात करूँ तो भी ऐसा कस्टमर का फीडबैक कैसा है सर्विस के मुकाबले? सभी कस्टमर के फीडबैक अच्छी है। तो बाकी भाई अगर मैं बात करूँ तो दिन की ये है जो है द्वारका वाला शोरूम है भैया, एक बारी अपना एड्रेस भी जरूर बता दो, क्योंकि काफी लोगों की डिमांड आ रही थी, मेरे से भी इंस्टाग्राम पे पूछते थे, मेल से भी पूछते थे, तो जो है कई बंदों को नहीं पता था, एक बारी एड्रेस जरूर बता दो कि द्वारका में कहाँ पे है। द्वारका सेक्टर 5 के अपोजिट K35 ग्राउंड फ्लोर मेन राजापुरी रोड, मेन राजापुरी रोड। तो बाकी भाई नीचे गूगल मैप की लोकेशन भी जो है इस बार डाल दूंगा, क्योंकि भाई पिछली वीडियो में भी आपने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया, वो भी वीडियो जो है भाई 1 साल के अंदर जो है भाई 3 मिलियन क्रॉस कर चुकी है, तो वो सब आप भाई लोगों का प्यार था। तो होप करता हूँ ये वाली वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। तो बेसिकली मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पे जो है अपना दिन की कितनी बुकिंग आ जाती है ऑलमोस्ट? बुकिंग पहले जो एक घंटे के लिए ओपन होते हैं, तो एक घंटे में हमारे शोरूम से कम भी आपकी 450 की बुकिंग हो जाती है आपकी। तो बाकी भाई देख सकते हो ये चीजें जो है भाई कंपनी क्लेम करती है, मतलब अगर मैं बात करूं तो भाई इतनी बड़ी बात है कि ये मान लो 1 महीने में 1 साल के लिए खुल रही है, तो भाई इससे बड़ी और कुछ नहीं है। कंपनी आप देख सकते हो कि भाई क्या क्वालिटी दे रही होगी, जब ही जो है 1 घंटे के लिए खाली बुकिंग खुल रही है इस गाड़ी की। बाकी अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि इसके अंदर ABS रीजनरेटिंग क्या है इसका सिस्टम जो है रहता है बेसिकली? CVS है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे ब्रेक लगाते हो इसकी पावर कट ऑफ हो जाती है, जितनी बार ब्रेक लगाओगे माइनर से आपकी बैटरी चार्ज होती है, रीजनरेटेबल सिस्टम है बिल्कुल। तो बाकी भाई ये चीज़ें जो है इसकी सारी मैंने जो है ऑलमोस्ट जितनी हो सकती थी मैंने सारी शेयर कर दी है। बाकी भाई गाड़ी की लुक भी जो है काफ़ी यूनिक है, मतलब कोई मुकाबला नहीं है इस गाड़ी का। अगर बैटरी के मुकाबले अगर मैं बात करूँ तो भाई ऑलमोस्ट सबसे बढ़िया है अपना स्पोर्ट्स मोड पे भी, अपना इको मोड पे भी। तो पीछे से लुक देख सकते हो आप, LED टेल लैम्प, पीछे से इंडिकेटर की लुक देख लो भाई एक बार,
बाकी ये वाले कलर्स तो मैं ऑलमोस्ट आपको जो है दिखा चुका हूँ पुरानी वीडियो में भी, बाकी इसके अंदर भी कुछ अपग्रेडेशन हुए हैं। और बाकी ये व्हाइट वाला कलर जो है बिल्कुल ब्रांड न्यू है इसका, यहाँ पे देख सकते हो। ये भी अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि यहाँ पे जो इसका एक बार ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये इंजन नंबर, ये सॉरी मोटर नंबर है, ये बेसिकली क्या है ये? आपका मोटर का सीरियल नंबर होता है आपका, ठीक है जी। और अगर मैं चेसिस नंबर की अगर इसकी बात करूँ तो भी आप चेसिस नंबर आपका यहाँ पे आता है जी, आपका चेसिस नंबर आता है। तो बाकी भाई देख सकते हो चेसिस नंबर मतलब जो नॉर्मल बाइक्स में आता है अपना, बिल्कुल सेम वहीं पे लोकेशन पे जो है दे रखा है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो भी मैनुअली लॉक दे रखा है तो ये भी जो है लगाना पड़ता है, ये मतलब बैटरी ऑफ के साथ जो है अपना ये भी कट ऑफ हो जाता है। सर यहाँ से आपका हैंडल लॉक है, ठीक है ठीक है, हैंडल लॉक हो जाता है आपका यहाँ से। जैसे की लगाया आपने, की से लॉक कर दिया, उसके बाद की निकाल लेनी आपने तो आपकी बाइक आगे से लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी भाई ये जो है सारा फीचर जो है मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अब एक बारी बात कर लेते हैं कि कैसे इसकी बुकिंग रहती है, कितना टाइम है, क्या पैसे देने पड़ते हैं शुरू में, तो एक बारी अब उस चीज़ की जो है बात कर लेते हैं। सो गाइस अब जो है राजीव भी एक बारी बुकिंग से रिलेटेड जो है इसके सारे डाउट जो है आपके क्लियर कर देते हैं कि कैसे जो है इस बाइक को बेसिकली परचेज कर सकते हैं। तो राजीव भैया बेसिकली क्या जो है इसका फंक्शन रहने वाला, क्या मोड रहने वाला है इसका? सर सबसे पहले तो इसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है यहाँ से, ठीक है ठीक है। बुकिंग आपको बता था कि बुकिंग कैसे करनी है आपने, ये आपने www.revoltmotors.com लगा दिया आपने, ठीक है। ये आपके आगे साइट पे लिखी है, इस साइट पे जाके भी बेसिकली कैसे रहता है आपको मैन्युअली करके भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपने www.revoltmotors.com लगा लिया, बिल्कुल। उसके बाद आपने सर्च कर दिया, सर्च करने के बाद आपका ये कुछ इस तरह का पेज खुलता है, ठीक है ठीक है। ये आ गया आपका बुक नाउ, ठीक है। बुक नाउ पे क्लिक कर दिया आपने, ठीक है। ये डिटेल्स फिल करनी है, यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी डिटेल फिल कर देता हूँ, राजीव शर्मा, ठीक है ठीक है। इस डिटेल के बाद अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली क्या मोड जो है भी रहता है उसमें? सर आपने जैसे मोबाइल नंबर डाल दिया अपना, ठीक है ठीक है। उसके बाद मेल आईडी डाल दी, ठीक है। मेल आईडी डालने का स्टेट आता आपका, जैसे दिल्ली से आपका दिल्ली स्टेट डाल दिया आपने, ठीक है। उसके बाद द्वारका सेक्टर 5 हमारे 3 शोरूम है, ये देखो भाई ये जो है दिल्ली की शोरूम है, जीटी करनाल रोड प्रीत विहार द्वारका सेक्टर 5। अभी जिसमें हम है वो है द्वारका सेक्टर 5, ठीक है। जैसे आपने द्वारका सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, एग्री करके आपने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। ये कुछ इस तरह का पेज खुलता है आपका, यहाँ पे आपका बुकिंग अमाउंट आ जाता है, ठीक है। जैसे टोटल आपकी जो गाड़ी की कॉस्ट है 172,999 आपकी, ठीक है ठीक है। उसके बाद जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी माइनस होती है 48,000, ठीक है ठीक है। उसके बाद आपका एक्स शोरूम प्राइस आता है 124,999 आपका, 125,000 आपका एक्स शोरूम प्राइस आता है, ठीक है ठीक है। उसके बाद आपने सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद आपका पहले आपने डिटेल चेक कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाती है, मोबाइल नंबर, नाम, मेल आईडी, 3 चीज़ें जो करेक्ट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। उसके बाद क्लिक चूज योर पेमेंट, अब पेमेंट का ऑप्शन जो है खुल जाता है बेसिकली। तो पेमेंट करनी है, अभी जो इसका करंट जो है चल रहा है अमाउंट भाई चल रहा है वो चल रहा है 20,000 रुपये का पूरे, ठीक है भैया। तो ये हो गया अपना मतलब ऑनलाइन वाला मोड। अगर कोई मैनुअली यहाँ पे आके करवाना चाहे तो उसे कितना टाइम लगता है बेसिकली? मैनुअल नहीं होती इसमें, ऑनलाइन ही बुकिंग होती है। यहाँ पे भी ऑनलाइन ही होगी बेसिकली, शोरूम पे भी आओगे तो यहाँ पे आपका स्लॉट आता था, जैन पे आपका स्लॉट आ रहा आपका। तो बाकी भाई देख सकते हो अभी अगर आज की डेट में कोई अगर बुक करता है तो भाई अगर आज की डेट में आपको बताऊं तो 15 नवंबर को अगर कोई बुक करता है तो बेसिकली उसको जो है फैब वाले स्लॉट में जो है मिलेगी, ठीक है। जनवरी का स्लॉट आता है, जनवरी मिड और फैब में इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो इसकी बुकिंग जो है कब से कब खुलती है और क्या उसका जो है रहता है? सर अभी तो आपकी रेगुलर खुल रही है, ठीक है। 21 तारीख से ओपन ही चली हुई है, अभी तो बुकिंग हो रही है। पहले जैसे हो गया था आपका एक महीने में एक घंटे के लिए खुलती थी आपकी, बिल्कुल एक महीने में एक घंटे के लिए खुलती थी, क्योंकि एक घंटे में आपका ओवरलोड बुकिंग हो जाती थी इसलिए बुकिंग जो बंद हो जाती थी, ठीक है। अब जो है कंटिन्यू चल रही है। तो बाकी भाई देख सकते हो कंपनी की डिमांड जैसे मैंने आपको बता दिया भाई कैसे कंपनी जो है भाई इस मार्केट में जो है ग्रो अप कर रही है। काफ़ी सारी जो है और भी चीज़ें हैं, और भी कंपनी है भाई, वो भी जो है इनका सारा देख सकते हो, पोर्टेबल चार्जिंग मेन्यू एक बारी आप प्रॉपर जो है एक बार ये वीडियो पोस्ट करके जो है आप पढ़ सकते हो। तो ये देखो भाई ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो इसका क्या बेसिकली वो रहता है कि कितने जो है इसके देने पड़ सकते हैं, मतलब इसका रोड टैक्स क्या है, इंश्योरेंस कितने की पड़ती है? सर रोड टैक्स नहीं लगता इस गाड़ी में, रोड टैक्स फ्री गाड़ी चाहिए। पहले जैसे आपका रोड टैक्स लगता था, रोड टैक्स गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया आपका, ठीक है ठीक है। बाकी इंश्योरेंस तो आपको बता देता हूँ, जिससे सबसे पहले इसकी बुकिंग होगी आपकी, ठीक है, 19,900
म्यांमार पे आपका बुकिंग अमाउंट आता है। ठीक है ठीक है, तो बाकी भाई ये जो है बुकलेट जो है रहती है, इसमें जो है आपकी बुकिंग हो जाएगी, तो आपकी बुकिंग डन है। सर सबसे पहले जैसे एक्सशोरूम प्राइस आता है आपका 1,24,999 रुपये, ठीक है जी। आपका एक्सशोरूम प्राइस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 4,999 आपका इंश्योरेंस आता है, ठीक है। इंश्योरेंस आपका 1+4, 1 ईयर आपका जीरो थेफ्ट होता है, 4 ईयर आपका थर्ड पार्टी होता है, 5 साल का इंश्योरेंस मिलता है साथ, ठीक है। बाकी आगे आपका 728 रुपये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट HSRP, ठीक है। इसमें आपका हेलमेट 675 आपका हेलमेट आता है, ठीक है। उसके बाद हैंडलिंग लॉजिस्टिक चार्जेस 1,050 पे हैंडलिंग लॉजिस्टिक चार्जेस आपका, ठीक है। उसके बाद GPS 4G कनेक्टिविटी, ठीक है ठीक है, वो आता आपका 5,000, 3 साल का रिचार्ज होता है आपका, 3 साल तक आपका रिचार्ज फ्री रहेगा। ये ऑप्शन है, लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद आपका बुकिंग टोटल जो गाड़ी की कॉस्ट आती है आपकी, सब कुछ टोटल करते हैं 1,37,451, ठीक है ठीक है, जिसमें से 19,999 रुपये आपका बुकिंग अमाउंट आ जाता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद रेस्ट अमाउंट बचता है 1,17,452 रुपये, 1,17,452। तो भाई जैसे कि आपने आज की वीडियो देख ली है, तो भाई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो भाई जितना हो सकता था मैंने सारा आपके साथ डिटेल शेयर कर दिया भाई, इसके क्या स्पेक्स रहने वाली है, कैसे बुकिंग मोड रहने वाला है, कैसे आप इसे परचेज कर सकते हो, तो जितनी हो सकती थी सारी डिटेल जो है भाई मैंने शेयर कर दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। बाकी इंस्टाग्राम में भी आप जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी और वीडियोज़ के रिगार्डिंग जो है भाई मैं बताता रहता हूँ कि क्या बेसिकली क्या आने वाला है, कैसे क्या मोड जो है चलने वाले हैं, तो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे भी जो है मैं बताता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी जाके जो आप फॉलो मेरे को कर सकते हो। बाकी आई होप कि इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप अपना कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि आपको जो है RV 400 का नया लुक जो है बेसिकली कैसा लगा। तो मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो को लेकर, प्यार बनाए रखना।